हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपके फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की जो मुख्य परीक्षा है 2022 की बोर्ड परीक्षा, उसमें जो आपका पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है, उसके एमसीक्यूज के हम आंसर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपने वरिष्ठ जो भी है अच्छे जानकार है उनसे ये पेपर जो है सोल्व करवाया है। यदि फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सही आंसर आपके बाद में पिन कर दूंगा, लेकिन ये लगभग करेक्ट आंसर है आपके, तो इनको आप मैच कर लीजिए। इसके बाद में यदि आपके ऑप्शन गलत लगते हैं आपको कि आप गलत लिख कर आए हैं, तो आप उनका लोड ना लेकर अगले पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आप इसको मिला लीजिए और अगले पेपर की तैयारी कीजिए, इतना कुछ करना है आपको। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का, ओमी प्रतिरोध है, तांबे का तार, सही सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम सी होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है कुंडली में प्रभावित धारा पर, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबक की तरंग उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से। इसके बाद में देखिए अगला आप रिक्त स्थान देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबक की तरंग गामा किरणें धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, मीटर सेतु विद स्टोन सेतु पर आधारित होता है, इस सिद्धांत पर आधारित होता है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, और नेन गेट का बुलियन व्यंजक y=a.b^2 हो जाएगा, ये जो लिखा है आपका। आकाश का नीला दिखाई देने के कारण प्रकाश का प्रतिनिधन, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए आपकी सही जोड़ी पर, सही सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बूस्टर का नियम फर्स्ट हो जाएगा, अवरक्त किरणें आपका हर्सेल वाला, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जे वाला ऊर्जा का मात्रक, डायनेमो ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, अमीटर जी वाला सही हो जाएगा आपका, धारण आपने का यंत्र, और विद्युत सामर्थ्य इसमें ई वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपकी जोड़ी कैसी रहने वाली है। आगे देखते हैं हम, आपके प्रत्येक कथन में एक शब्द में उत्तर देना है, तो लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो ये आपका हो जाएगा पी यानी पावर 1/f जो हमने लिखा है। किस गेट में विक्रम गेट कहा जाता है? तो नोड गेट को। लेंस का नियम के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, देहली आवृत्ति क्या है? न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो F0 बढ़ाकर। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विभव घट जाता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण। आई होप आपने मैच कर लिए होंगे आपके ऑप्शन, बाकी आपका ये बचाव पेपर है, ये क्वेश्चंस आपके लिए इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ आपको ऑप्शन गलत लग रहे हो तो आप बता सकते हैं।